अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज एडमिशन 2022 के बारे में। और ये जो हमारे पास एडमिशन है ये स्प्रिंग 2022 का एडमिशन है, और ये हमारे पास यूनिवर्सिटी है, ये फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी भी कहलाती है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है इनमें एडमिशन ओपन है और कौन कौन से जो कैंपसेज हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखिए इसका जो सबसे पहला पेज है उसके ऊपर हमारे पास जिसका एडवर्टाइजमेंट फॉर्म है उसके ऊपर लिखा हुआ है एडमिशन स्प्रिंग 2022। और जो हमारे पास एडमिशन ओपन है वो MBA MS के हैं, ठीक है जी, NPHD के हैं। और जो कैंपस हैं इसके हमारे पास वो लाहौर कैंपस है हमारे पास, और इस्लामाबाद कैंपस है, और फैसलाबाद कैंपस है, ठीक है। एंड अगर आप इसका जो है एडमिशन शेड्यूल चेक करना चाह रहे हैं तो हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसकी जो मैं आपको डिटेल बता सकूं, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया एडमिशन शेड्यूल के ऊपर, और यहाँ से हम जो है इस पर अप्लाई ऑनलाइन पर भी क्लिक कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम बात करेंगे इसके फीस स्ट्रक्चर की, और इसमें हमारे पास जो है अप्लाई आपने किस तरह करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका एडमिशन शेड्यूल है, मतलब इसके हमारे पास जो है लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन सबमिशन फॉर्म जो है हमारे पास वो 31 दिसंबर है, ठीक है, 2021 फ्राइडे बनता है। और यहाँ पे जो है हर एक जो कैंपस है उसकी जो उन्होंने जो फी सॉरी जो उन्होंने डेट अलग अलग लिखी हुई है। जैसे हमारे पास फैसलाबाद कैंपस है उसकी जो है जनवरी 22 को है, 24 जनवरी 2022, और इस्लामाबाद वाले कैंपस की है 31 दिसंबर 2021। और जो लाहौर वाला कैंपस है उसकी जो हमारे पास लास्ट डेट है वो है 22 जनवरी 2022, ठीक है। तो उससे पहले पहले जो है हमने अप्लाई करना है, उसमें हमारे पास जो एडमिशन टेस्ट है वो आपका जो 29 जनवरी को हो रहा है, इसमें 4 जनवरी को हो रहा है, इसमें हमारे पास जो 24 जनवरी को हो रहा है, ठीक है। और जो मेरिट लिस्ट है उनकी वीडियो यहाँ पे लगी हुई है, इंटरव्यू भी उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। जो क्लासेज जो हमारी जो है वो 7 फरवरी 2022 से स्टार्ट होंगी इस्लामाबाद कैंपस की, ठीक है। और अगर आप यहाँ से जो है इसका फीस स्ट्रक्चर वगैरह चेक करना चाह रहे हैं या ऑफर प्रोग्राम चेक करना चाह रहे हैं तो हम इस ऑफर प्रोग्राम को अलग पेज पर ओपन कर लेते हैं। और जो हमारे पास जो है इसका फीस स्ट्रक्चर है इसको हम अलग से ओपन कर लेते हैं, और इसमें जो स्कॉलरशिप है उसको हम अलग से ओपन कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे सामने ओपन हो चुकी हैं, जैसे हमारे पास ये प्रोग्राम जो अवेलेबल है, ठीक है, उसकी जो है ये डिटेल यहाँ पे दी है कि कौन से कैंपस के अंदर जो हमारे पास जो है वो कौन सा प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो है मास्टर प्रोग्राम भी है हमारे पास यहाँ पे, MS है, PhD है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है जी, इनकी लिस्ट यहाँ पे लगी है। तो आपने जिस भी डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशन लेना है उसकी डिटेल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। हर एक कैंपस के हिसाब से जो है इन्होंने इसकी डिटेल दी है, तो आपने यहाँ से चेक कर लेना है। और अभी अगर हम बात करें इसके फीस स्ट्रक्चर की, तो इसका फीस स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। एडमिशन फ़ी जो है इसकी यहाँ पे बताया कि 20,000 है, जो आपको वंस टाइम जो आपको पे करनी पड़ती है। जो हमारे पास ट्यूशन फ़ी है BBA BS की, ठीक है, MBA MS PhD की, उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है फ़ी। प्रोग्राम नेम है, फिर हमारे पास यहाँ पे फ़ी है, और यहाँ पे जो बाकी हैं रिफंड जो है अप टू 70 स्टार्ट ऑफ क्लासेस, ठीक है, ये उन्होंने यहाँ पे लिखी है परसेंटेज के हिसाब से। और पेमेंट इंस्ट्रक्शन उन्होंने यहाँ पे दिए, ठीक है, जो आपके एडिशनल चार्जेस हैं वो उन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इस सारे के साथ जो डिटेल है वो आपने यहाँ से चेक कर लेनी, ठीक है। और फॉर फर्दर अगर आप इसकी कोई क्लेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसके बारे में जो है आपने डिटेल जो है आपने वो ले लेनी, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने प्रिंट द चलान फॉर्म एंड विजिट दी, मतलब आपने प्रिंट फॉर्म जो है वो जो चलान फॉर्म उसके प्रिंट के लिए आके जो आपने किसी भी करीबी ब्रांच में उसको डिपोजिट करवाना, ठीक है। और इसका तरीका उन्होंने आपको बताया होगा आपने किस तरह काम करना, वो मैं आपको जो है बता दूंगा। और जो अगर हम बात करें यहाँ पे स्कॉलरशिप की, तो उनके पास जो स्कॉलरशिप है वो हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है कि मेरिट स्कॉलरशिप फॉर बैचलर स्टूडेंट जो है उनके लिए अवेलेबल है, HEC स्कॉलरशिप फॉर MS एंड PhD स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे HEC स्कॉलरशिप है, ठीक है। HEC स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किस तरह करना है उस वीडियो को जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में दी हो तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो अदर स्कॉलरशिप्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपने जो PEF की स्कॉलरशिप है वो भी हमारे पास अवेलेबल है, सिंध गवर्नमेंट एंडोमेंट स्कॉलरशिप है, ठीक है। सारी सारी स्कॉलरशिप्स हैं हमारे पास, तो यहाँ से आप जो है चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास स्टडी लोन है, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेना है। तो ये हो गया, ऑफर प्रोग्राम भी हो गया, एडमिशन शेड्यूल भी आपको मैंने बता दिया। एंड अभी अगर हम बात करें इसमें अप्लाई मतलब आपने किस तरह करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है आपने सिंपली यहाँ पर अपना सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम अपने आपको रजिस्टर करेंगे, और बाकी जो कैंपस हैं लाहौर कैंपस जो है, फैसलाबाद कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, कराची कैंपस जो भी रिलेटेड है हमारे, ठीक है, इसकी जो डिटेल है वो आप इन्हीं जो लिंक दिए हुए आप इन पर क्लिक करके इनकी जो डिटेल्स हैं वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले लॉगिन करना है। एंड अभी हमारा जो है वो हम अपने आप को हमने भी यहाँ पर रजिस्टर नहीं किया, तो हम यहाँ पर सिंपली जो है साइन इन करेंगे, ठीक है। और आई थिंक साइन इन से पहले जो हमें अपना क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो फर्स्ट टाइम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पर आपने नेशनलिटी बतानी कि आप पाकिस्तानी है, किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर जो आपने अपना आई डी कार्ड लिखना है, ठीक है, जो भी आपका आई डी कार्ड नंबर है। और यहाँ पर जो है आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, और यहाँ पर जो आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखना है, जो भी ईमेल आपके फ़ोन में जो है वो लॉगिन है आपने वो एड्रेस देना है, ठीक है, ताकि जो यूनिवर्सिटी वाले आपको कोई SMS या वेरिफिकेशन के थ्रू आप कोड सेंड करें तो आप तक वो पहुँच जाए, ठीक है जी।
ये हमारे यहाँ पे लॉगिन एड्रेस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने ईमेल एड्रेस जो है वो अगेन हमने पेस्ट करना है। और यहाँ पर जो पासवर्ड है आप अपना भी लगा सकते हैं, फिर आपको पीछे जैसे पासवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बताना है कि आप अप्लाई किसके लिए कर रहे हैं, मास्टर प्रोग्राम के लिए या फिर पीएचडी के लिए। तो मैं यहाँ पे जो है मास्टर पे क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ पे हम नॉट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, एंड देन हम जो यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद कह रहे हैं कि इनवैलिड कैप्चा, आप जो है कैप्चा अगेन सॉल्व करें। तो हम कैप्चा पे अगेन क्लिक कर देते हैं, तो हमारे पास ये ट्रैफिक लाइट का आपने बताना है इनमें से ट्रैफिक लाइट कौन सी है, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं कर देता हूँ नेक्स्ट। और यहाँ पे हमसे चिमनी के बारे में पूछा जा रहा है, तो चिमनी मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ, मेरा ये ओके हो गया। अभी मैं यहाँ पे करूँगा रजिस्टर पे क्लिक, एंड रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो है हमारे सामने ये पेज होता है, ठीक है। ये चूज का एडमिशन फॉर्म हमारे सामने शो हो गया, ठीक है। पासवर्ड जो हमारा वो सेव हो चुका है, ऑटो सेव मैंने लगाया हुआ था। अब हमारे पास यहाँ पे जो उसका एडमिशन प्रोसेस है वो कुछ इस तरह का है। सबसे पहले आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, फिर एकेडमिक है, फिर प्रेफरेंस एंड टेस्ट टाइप है, फिर डिक्लेरेशन है, फिर फी है, फिर शेड्यूल है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले अपना जो है फुल नेम लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, उसके बाद ये आप पहले अपने जेंडर बताएंगे, आप लड़का हैं या फिर आप लड़की हैं, ठीक है। यहाँ पर नेशनलिटी होगी, यहाँ पर अपना मेलिंग एड्रेस लिखना है, यहाँ पर आपने बताना है कि आप किस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, मोबाइल नंबर होगा। यहाँ पर जो आपने अपना एक जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है जी, मार्च हो गया। और यहाँ पर अपने जो है वो इसको हम क्लिक करके जो है पहले सेट कर लेते हैं, आप किस सन में पैदा हुए थे, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है, मार्च हो गया, डेट आप कर लेंगे, हो गया हमारे पास। और यहाँ पर जो आपने अपनी एक तस्वीर अपलोड करनी है, ठीक है। और तस्वीर का जो साइज़ है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। मेरे पास अभी एक ये तस्वीर पड़ी है, ये भी चले से कर लेते हैं अपलोड, हम ये अपलोड होगी, ठीक है। यहाँ पर अपलोड योर CNIC बे फॉर्म जो भी आपके है, आपने यहाँ पे CNIC बे फॉर्म जो भी आपके पास अवेलेबल है आपने उसकी तस्वीर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ से मैं कोई भी फोटो उठा के यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, CNIC ही है मेरा, ठीक है, ये अपलोड हो गया। और इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, सेव एंड कंटिन्यू पे देना आपने क्लिक करना। उससे पहले जो हमें अपना जो मेलिंग एड्रेस है जो पोस्ट ऑफिस के हिसाब से, तो ठीक है हमने वो देना है। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपने अपना जीजा का एड्रेस है वो आपने देना, ठीक है, ताकि आपका जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट हो सके। यहाँ पे सारा कुछ ओके है जी, ओके। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, एंड जो है नंबर टू पे हमारे पास आता है एकेडमिक सर्टिफिकेट के बारे में। आपने जो है सेकेंडरी स्कूल लेवल से जो आपने बताना है कि आपने मैट्रिक SSC थी या फिर आपकी ओ लेवल थी, ठीक है, तो आपने जो है बता देना है। और कौन सा बोर्ड था आपका जिससे आपने जो है SSC की आपने एजुकेशन है वो आपने कंप्लीट की है, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का आपने नेम बताना है, ठीक है, जिस भी आपने इंस्टीट्यूट से वो पास किया अपनी सेकेंडरी स्कूल मतलब मैट्रिक मेट, और किस साल में जो है आपने अपनी जो है मैट्रिक की डिग्री वो आपने कंप्लीट की है वो आपने बताना है। और रोल नंबर आपके क्या था और आपके पेन मार्क्स कितने थे, ठीक है, मैट्रिक में 950 टोटल मार्क्स का आपको कितने थे मैट्रिक में, ठीक होगा जी। SSC हायर सेकेंडरी स्कूल मतलब आपने ए लेवल था आपका, हायर सेकेंडरी स्कूल था, फिर डिप्लोमा था, तो मेरा इंटरमीडिएट था, ठीक है। प्री इंजीनियरिंग ग्रुप ओके हो गया। बोर्ड था वो आपने बताना है आपका जो बोर्ड था वो कौन सा था, ठीक है। और इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है जी, इंस्टीट्यूट नेम भी आपने यहाँ पर लिख देना जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा हो। और यहाँ पे पासिंग ईयर आपने बताना है कि आपने जो है वो अपनी FSC का पास की, और FSC के में जो आपका वो रोल नंबर क्या था, ठीक है, और आपके पेन मार्क्स कितने थे, ठीक है, और आपके टोटल मार्क्स कितने थे वो आपने यहाँ पे लिख देना है। और ये सब हो गया। उसके बाद जो है हम नीचे आएंगे, आपकी बाकी जो डिग्रीज हैं MA MSc आपने 16 ईयर ऑफ एजुकेशन की होगी, आपने जो है BS की है तो आपने उसके बारे में बताना है, ठीक है, किस सब्जेक्ट के अंदर जो है आपने BS की है तो आपने वो बताना है यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की बात कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट का आपने नेम लिखना है जिस इंस्टीट्यूट से जो है आपने उसको पढ़ा है, ठीक है। चलिए मैं कुछ भी कर लेता हूँ यार, कराची लिख देते हैं इसके ऊपर। पासिंग ईयर जो है आपने वो कब डिग्री पास की है इसकी, ठीक है, इसको हम 2021 सॉरी जो है मैंने इसको गलत कर दिया, क्योंकि हम पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको 4 साल और पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो ईयर हम करेंगे 18 को हम कर देंगे, बल्कि 18 से नहीं 16 से हम इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी हमें। 18 के बाद जाए इसको हम कर देते हैं जी 14, तो उसको 20 के बजाय हम करेंगे जी 16। और जो डिग्री है 16 ईयर एजुकेशन हमारी जो थी इसको हम कर लेते हैं 2020। रोल नंबर टेन मार्क्स, CGPA आपकी कितनी थी तो मैं आपको देता हूँ 3.6, एंड आउट ऑफ टोटल कितनी CGPA होती है हमारे पास 4.0, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पर जो है आपने अपने अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, जैसे यहाँ पर जो आपने अपनी मैट्रिक की डिग्री अपलोड करनी है, उसके बाद आपने FSC की डिग्री अपलोड करनी है, उसके बाद जो आपने
अपनी बैचलर की डिग्री अपलोड करनी है। मेरे पास तो डिग्रीज नहीं है, आपके पास तो होंगी, तो आपने उनकी तस्वीर बना के अपलोड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे अपनी फोटो ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि जो है इसका जो प्रोसीजर है वो मैं आपको आगे जाके दिखा सकूँ कि आगे आपने जो है इसमें अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है, ये फिर मैं अगेन ही अपलोड कर देता हूँ। और जो लास्ट पे हमारे पास जहाँ पे डिग्री अपलोड करनी थी मास्टर्स की, उसमें भी मैं अपनी तस्वीर अपलोड कर रहा हूँ। तो आपने अपनी तस्वीर अपलोड नहीं करनी है, आपने जो डिग्री आपकी है वो अपलोड करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। एंड सेव नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो पेज शो होता है वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। हमारे पास यहाँ पे प्रेफरेंस टेस्ट टाइप है, मतलब आप जो टेस्ट किस टाइप पे देना चाहेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है आपने बताना है कैंपस सेलेक्ट करना है, तो मैं इस्लामाबाद वाले कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहा हूँ। डिसिप्लिन मतलब आप किस में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, मैं फर्स्ट MBA कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं MSc कंप्यूटर साइंस में करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सेकेंड प्रेफरेंस आपने अपनी बतानी है, ये भी मैं इसी को कर देता हूँ। और थर्ड में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डाटा साइंस। और टेस्ट टाइप बताइए, अगर आपने कोई दिया हुआ अप्लाइंग ऑन बेस, आप नेशनल जो आपका एंटी स्ट्रेस हो तो उसकी बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, आप मैट गैट कोई टेस्ट है आपको, अच्छा फिर आपके पास दोनों है। ठीक है, आप किस बेस पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने बता देना कि मैं किस टेस्ट की बेस पर अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आप किसी बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो ठीक है, तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे NU टेस्ट, मतलब आप यूनिवर्सिटी का टेस्ट ही देंगे। ठीक है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड मेटिंग साइंस। अगर आपने कोई और टेस्ट दिया तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बारे में बता देना है, मतलब मैंने ये दिया था, मेरा ये रोल नंबर वगैरह वगैरह। अदरवाइज जो आप इसको खाली छोड़ें NU टेस्ट के, मैं यूनिवर्सिटी का अपना ही टेस्ट दूंगा। दैन सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दें आप। अभी हमारे पास फिर आएगा डिक्लेरेशन का फॉर्म, मतलब ये मेरी चीज़ें डॉक्यूमेंट वगैरह थे, आप इसको एक दफ़ा पढ़ सकते हैं, इसमें कोई मसला परेशानी आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर क्लिक करना कि मैं मतलब मैं कबूल करता हूँ कि जो मैंने ऊपर लिखा है वो मैंने ही लिखा है। और देन हमने यहाँ पे सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। और ये हमारे पास जो है फी चलान है, तो हमने जो यहाँ से क्लिक करके जो अपनी फी चलान जो है इसको डाउनलोड करना है। फी वेरीफाइड होगी, शेड्यूलिंग होगी। ठीक है, व्यू प्रोफाइल, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल देखने, उसके बाद जो आपने शेड्यूलिंग पे चले जाना है। ठीक है, ये हमारे पास जो इसका चलान फॉर्म है, इसको आपने जाके बैंक में पे करना है। एक कॉपी जो बैंक में लगेंगे, एक आपको देंगे, उसकी जो तस्वीर बना के आपने अपलोड करनी होगी। ठीक है जी, एंड तस्वीर अपलोड करने के बाद जो है फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन प्लीज़ आपने यहाँ पे विजिट कर लेना, अगर आपको ये बात समझ नहीं आती। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि आपने साइन इन टू योर इंटरनेट बैंकिंग, मतलब आप उसमें साइन इन करें और अपने, तो एक चलान फॉर्म जो है जब आप पे कर देंगे, ठीक है, तो आपको जो है इसमें अप्लाई हो जाएगा। और इस तरह जो आपको अप्लाई होगा, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आएगी और अच्छी लगी होगी। अब अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब की क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।